हम बनाने जा रहे हैं व्रत स्पेशल गेहूं के आटे से मोहन भोग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें चाहिए एक बड़े कटोरी गेहूं के आटे, 5 बड़े चम्मच घी, 1 छोटी कटोरी चीनी और काजू जो हमें बारीक तोड़ लिए हैं और नारियल खीस लिए हैं और 1 कटोरी पानी। तो चलिए गैस जलाते हैं। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम घी डालेंगे। घी डाल दिए हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं घी को। गैस को मीडियम फ्लेम रखेंगे। अब इसमें हम गेहूं के आटे डाल देंगे। आटे को ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए आटा एकदम ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लगभग इसमें 1 कटोरी लग जाएगा चीनी। रुके हैं। अब इसमें हम काजू और नारियल डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। 1 मिनट। एक मिनट हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी धीरे धीरे करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है और चलाते जाएंगे। लगभग इसमें 2 कटोरी पानी लगेंगे और पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है पानी को। इसमें हम थोड़ा सा और घी डालेंगे, लगभग 2-3 चम्मच ऊपर से और घी डालेंगे और चलाते हुए 4-5 मिनट पकाएंगे इसको, भूनेंगे। इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है लगभग। देखिए मेरा मोहन भोग एकदम बन के तैयार हो चुका है। कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम गैस को बंद करते हैं। देखिए मेरा मोहन भोग एकदम बन के तैयार हो चुका है। इसमें ऊपर से तुलसी पत्ता डाल देंगे। मेरा मोहन भोग तैयार हो चुका है।